डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशवर्धन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 50 साल है और पिछले 30 सालों से मैं बिजनेस करता जा रहा हूँ और उसमें तरक्की होती जा रही है। आपको शायद पता नहीं होगा एक बड़ा बिजनेसमैन बनना कितना मुश्किल होता है, शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है कोई समझ ही नहीं पाता। जब मैं 20 साल का था, मेरे पिता एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे और मैं तभी से ठान चुका था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। लेकिन बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता है, लोग आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आपको बढ़ने नहीं देते। धीरे धीरे आपको छोटे छोटे कदम आगे की तरफ बढ़ाने पड़ते हैं और तभी मैंने एक छोटे से प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। मुझे पता था कॉम्पिटिशन तो बहुत है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है, हमें कस्टमर के दिमाग के अंदर घुसना पड़ता है। मैं गांव-गांव जाया करता था अपने इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए और मेरी खासियत ये थी कि मैं जिससे भी मिलता था रिश्तेदारी निकालना शुरू कर देता था, वो मुझ पर भरोसा करते और मैं वो प्रोडक्ट को बेच पाता। समय बीतता गया, मैं पैसे कमाता गया, उस पैसे को मैं उस कंपनी खरीदने पर लगाना चाहता था और वो कंपनी वो मालिक इतनी आसानी से बेचना नहीं चाहता था। यहाँ पर भी मुझे दिमाग लगाना पड़ा था, उसे बीमार करना ही सही तरीका था। मैं उसे ज़्यादा बीमार नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी उम्र ही ज़्यादा थी कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ता गया और मैं उसके बेटे की तरह उसकी सेवा किया करता और वो मुझ पर भरोसा करने लगा था। मैंने तभी कह दिया था, इतनी मुश्किल से मैंने इस कंपनी में इतनी मेहनत की है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और इसे बड़े मकाम पर पहुँचाना चाहता हूँ। वो मुझ पर भरोसा किया करता था। मैंने 40% शेयर खरीद लिए थे, जिसके बाद 20% उससे तरीके से निकलवाने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, 60% मेरा हुआ और मैं मालिक बन गया उस कंपनी का। दिमाग लगाता गया और प्रोडक्ट निकालता गया, लोग मेरी बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर दिया करते थे और मैं धीरे धीरे वो सीढ़ियाँ चढ़ता गया जिसे तरक्की की सीढ़ियाँ कहा जाता है। समय बीतता जा रहा था। 30 साल का जब मैं हुआ तब मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे, मैंने एक बड़ा सा फ्लैट लिया हुआ था, मेरे पास 30 लाख की गाड़ी थी और मेरे जितने भी दोस्त थे सब मुझसे सड़ा करते थे और मैं उन्हें जलाया करता था। बड़ा मज़ा आता है जब आप तरक्की के रास्ते पर निकल पड़े हों, जेब में पैसे भर गए हों और आपके दोस्त जो आपको निकम्मा कहा करते थे आपके सामने आंखों में आंखें भी डाल ना पाएं। बड़ा मज़ा आता है उन्हें जलाने में और ये मज़ा मैं ले रहा था। 30 साल की उम्र में मैं ये बिजनेस खड़ा कर चुका था और अब इस बिजनेस को एम्पायर बनाने का समय था। धीरे धीरे छोटे छोटे बिजनेस मैं हड़पता जा रहा था। उन्हें थोड़े दबाव के अंदर लेकर आओ तो उनकी टांगें लड़खड़ा जाती हैं। नए खिलाड़ी इतनी आसानी से जम नहीं पाते अगर हम जैसे पुराने खिलाड़ी वहां पर पहले से ही मौजूद हों। छोटी छोटी कंपनियों को अपनी कंपनी के अंदर मिलाते मिलाते किस तरह से मैंने अपनी कंपनी को एक एम्पायर की तरह बना दिया था, यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मुझे इसी तरह कहा जाता था और मैं इससे भी और ज़्यादा आगे जाना चाहता था। मेरी उम्र आज 50 साल है और यहाँ पर बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। और भी रास्ते में कई बड़े बिजनेसमैन हैं जो मुझे छोटी मछली समझ रहे हैं। जब तक मैं 60 से 70 साल का हो जाऊंगा उनसे आगे निकलने की कोशिश करूंगा, भले ही रास्ते में मुझे तरीका कोई भी अपनाना पड़े। इसी तरह सोचता हुआ मैं अपने फ्लैट में बैठा आराम कर रहा था। मेरी बीवी और मेरे बच्चे विदेश में हमेशा घूमने जाया करते और मैं उन्हें कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होने देता। बहुत पैसे हैं मेरे पास और इस बार भी वो 6 महीने के लिए घूमने गए हुए थे।
मैं नहीं चाहता था घूमना, मैं अपनी कंपनी को और बड़ा करना चाहता था, तो मैंने कह दिया था एक साल और, मैं थोड़ी मेहनत और करना चाहता हूँ। वो घूमने चले गए और मैं उस फ्लैट में अकेला था। यहाँ 5 फ्लैट मैंने अकेले ने खरीद रखे थे, जबकि इसी शहर में कई बड़े बड़े बंगले भी थे मेरे। फिर भी ये पहले फ्लैट को मैं सबसे ज़्यादा पसंद किया करता था। यहाँ कई फ्लैट्स में सिर्फ नौकर रहा करते थे और इस नंबर 5 फ्लैट में मैं खुद रहना पसंद करता था, किसी को यहाँ आने नहीं देता। शांति में मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन ये रविवार का दिन था और छुट्टी वाले दिन सभी नौकरों को भी मैं घर भेज दिया करता हूँ। जब बेल बजी थी मैं हैरान हो गया था, कौन आ सकता है। जैसे ही मैं उस कमरे के बाहर गया और घर का दरवाज़ा खोला, सामने कोई नहीं था। मैं आगे तक गया था, कौन है जो बेल बजा कर चला गया, यहाँ तो कोई नहीं है। जब मैं वापस अपने दरवाजे के पास आया, मेरे पैर से एक डिब्बा टकराया। ये गत्ते का डिब्बा था और उसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा था। ये किसको देना है, किसके लिए है, यहाँ कौन छोड़कर गया है, मैं जानता तक नहीं था। फिर भी मैंने उस डिब्बे को खोलने की हिमाकत की। उस डिब्बे के ऊपर एक टेप लगी हुई थी, लेकिन ये कागज़ की टेप थी जिसे फाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगा। आसानी से अपने नाखून मैंने उस टेप में कड़ा दिए और वो डिब्बे को खोल दिया। लेकिन डिब्बे के अंदर कुछ भी हो सकता है, पहले थोड़ा सा डरा था, फिर मुझे लगा कोरियर आया होगा। जैसे ही उस डिब्बे को खोला, अंदर एक लाल रंग का कैप्सूल था जिस पर एक नंबर लिखा हुआ था 222, साथ में एक कागज़ का टुकड़ा भी था। कौन है बेवकूफ जो इतने बड़े डिब्बे में ये छोटा सा कैप्सूल रखकर गया है, और इस कागज़ में क्या है, पढ़कर देखता हूँ। जैसे ही मैंने वो कागज़ पढ़ा, उसमें जो शब्द थे उसने मुझे डरा कर रख दिया था, मरने से पहले इस कैप्सूल को ज़रूर खा लेना। मेरे हाथ से वो कैप्सूल भी गिर गया था, मेरे हाथ से वो कागज़ भी गिर गया था। किसी ने मुझे धमकी दी थी। जल्दबाजी में मैंने वो दरवाज़ा बंद किया। कोई मेरे घर के अंदर तो नहीं घुसा, नहीं नहीं, मैं ज़्यादा आगे तो नहीं गया था। ये सोचता सोचता सीधा मैं लैंडलाइन की तरफ भागा था। जल्दी से मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, पुलिस यहाँ जल्दी ही आती होगी। फिर भी मैं घबराया हुआ था और नीचे सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन लगाया था, मेरे फ्लैट के आगे कोई डिब्बा रख कर गया है, कौन आया था। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर ये इतनी बड़ी मंजिल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे, पिछले आधे घंटे में 20 लोग आए हैं। मैंने कहा, नोट डाउन करो, हर किसी का फ़ोन नंबर एड्रेस तुमने लिखा होगा, नोट डाउन करो, पुलिस को बताना है। इतने समय में वहाँ पुलिस आ गई थी। जैसे ही पुलिस मेरे फ्लैट के अंदर आई, मैं पहले से वो डिब्बा, वो कैप्सूल और वो कागज़ का टुकड़ा तैयार रखे हुए था। मैंने कहा, ये देखिए, ये कैप्सूल, ये कागज़ का टुकड़ा, किसी ने मुझे धमकी दी है। वो पुलिस वाले भी उस कागज़ को पढ़ रहे थे और उस कैप्सूल को एक ग्लव से उन्होंने उठाया था, मुझे भी इशारा किया था, आपने इसे हाथ तो नहीं लगाया। मैंने कहा, हाँ हाँ मैंने हाथ लगाया था। वो कहने लगे, जल्दी जल्दी इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, यहाँ कोई जहर हो सकता है जो इनकी उंगली में लग जाए और इनके शरीर पर असर कर डाले। उन्होंने ये बात कही थी, मेरे टांगें कांपने लगी थी, अपने आप घबराहट बढ़ने लगी थी, ऐसा लग रहा था शरीर के अंदर किसी ने जहर डाल दिया। जल्दबाजी में मुझे अस्पताल पहुंचाया गया था और मेरे जितने रिश्तेदार थे पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। मेरे बेटे का फ़ोन बार बार आए जा रहा था, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ। मैं बार बार फ़ोन काट देता और कहता, बाद में बताता हूँ, मुझे अस्पताल ले जाया जा रहा है। मेरी जबान भी जैसे कांपने लगी थी, मुझे लगने लगा था जहर काम करना शुरू कर गया है, मैं मरने वाला हूँ। मुझे स्ट्रेचर पर लेटाकर सीधा ICU रूम में ले जाया गया था। मैं बेहोश होने की कगार पर था। ICU में ले जाकर मेरे टेस्ट करवाए गए, मुझे एक इंजेक्शन दिया गया और थोड़ी देर बाद मैं जैसे सही फील करने लगा। डॉक्टर ने पास आकर कहा था, शरीर में कोई जहर मौजूद नहीं है, आपकी उंगली पर भी कोई जहर मौजूद नहीं है। मैं अब ठंडा ठंडा महसूस करने लगा था और मेरा जो शरीर का तापमान अपने आप बढ़ने लगा था वो भी ठीक होने लगा। जो घबराहट हो रही थी, इन शब्दों ने उस घबराहट को बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। मैं अब हिल पा रहा था, सही से बोल पा रहा था, उठ पा रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर आपने शरीर में जो इंजेक्शन लगाया वो काम कर गया, जहर फैला नहीं। डॉक्टर फिर से कहने लगा, देखिए आपके शरीर में कोई जहर नहीं है, कुछ नहीं गया, उस कैप्सूल में कोई जहर नहीं था, मैंने देखा। आप डरिए मत, आप ज़्यादा डर रहे हैं इसलिए आपको घबराहट हो रही है। काफ़ी देर तक एक नर्स ने भी मुझसे बात की थी और उसके बाद मुझे समझाया था
कि जब भी हमें डर लगना शुरू हो जाता है, शरीर के अंदर कोई कह दे जहर चला गया है, हम घबराने लगते हैं, हमारा दिमाग हमें डराने लगता है। और आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जहर तो आपके शरीर में गया ही नहीं। अब मैं उठ खड़ा हुआ था और नर्स ने भी कहा था, आप चल सकते हैं, आप इस गाउन को भी उतार सकते हैं, डरिए मत। मैंने अपने कपड़े पहने और सीधा मैं बाहर की तरफ आ गया। कई रिश्तेदार खड़े थे, वो मुझे देखना चाहते थे और इस तरह देखकर वो खुद हैरान थे। क्या हुआ, इतनी जल्दी उठकर बाहर आ गए? तुम्हारे शरीर में तो जहर था ना? मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरे शरीर में जहर नहीं था, मैं वो ज़्यादा डर गया था। इसके बाद सीधा मैं उस पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया। मैं उससे पूछना चाहता था, उस कैप्सूल पर क्या लगा था? तुमने कहा इसमें जहर हो सकता है, तुमने ज़्यादा डरा दिया। वो भी मुझसे माफ़ी मांगने लगा, लेकिन कहने लगा, अगर सच में जहर होता तो जो हमने किया वो तो सही किया ना। अगर यहाँ पर लेकर ही नहीं आते, मैं इस बात को बताता ही नहीं और जहर होता शरीर में फैल जाता तो मुश्किल हो जाती। हमने जो किया सही ही किया। इसके बाद मुझे भी अच्छा लगा कि हाँ, उसने तो अपना काम किया, उस कैप्सूल पर जहर नहीं था। और बाद में मैं पूछने लगा, तो उस कैप्सूल में था क्या, और ये चिट्ठी किसने लिखी है? इंस्पेक्टर ने आंखें नीचे की तरफ झुका ली और कहा, कैप्सूल के बारे में तो पता चल गया है, ये 222 नंबर कैप्सूल किस काम के लिए आता है ये भी पता चल गया है, लेकिन ये लेटर किसने भेजा है ये समझ नहीं पा रहे हैं। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ये लेटर खून से लिखा गया था। मैं अब और ज़्यादा डर गया था। मैं समझ गया था ये किसी ने मजाक तो नहीं किया होगा। खून से लिखा हुआ लेटर इस तरह किसी के घर में नहीं भेजा जाता। और मैं डॉक्टर से पूछने लगा था, यहाँ इसका DNA टेस्ट करवाया जा सकता है? वो पुलिस इंस्पेक्टर भी कहने लगा था, ये काम हमने पहले ही करवा दिया है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगी और आपको बता दिया जाएगा ये DNA किससे मैच होता है, और वो कैप्सूल की जानकारी भी आपको दे ही देता हूँ। ये कैप्सूल किसी सर्जरी के बाद दिया जाता है, जब किसी की याददाश्त में कुछ ना कुछ खराबी आ जाए, उसके बाद ये कैप्सूल न्यूरॉन्स को रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि याददाश्त जल्दी से वापस आ जाए। अब मैं हैरान सा हो गया था, ये किसने भेजा होगा इस तरह से मुझे डराने के लिए, कौन यहाँ पर आ सकता है? उसके बाद सीधा मैं पहुँच गया था अपने फ्लैट के पास और उस सिक्योरिटी गार्ड से मैं बहुत सख्त लहजे में बात कर रहा था। मेरे साथ ही दो पुलिस वाले भी थे और उस रजिस्टर को खंगाल रहे थे। 20 से 30 लोग आकर गए थे, उनमें से ही कोई होगा जिसके हाथ में बक्सा होगा। सिक्योरिटी कैमरे चेक किए गए थे, कागज़ चेक किया था। हर कोई जो यहाँ पर आकर गया था उसने आधार कार्ड यहाँ पर नंबर के सहित लिखवाया भी था। उनमें से किसी के हाथ में कोई बक्सा नहीं था। पूरी रिकॉर्डिंग चेक की गई, पूरे दिन पूरे हफ्ते की रिकॉर्डिंग चेक की गई और ऐसा बक्सा यहाँ फ्लैट के अंदर की तरफ कोई लाया ही नहीं। जैसे अंदर से ही ये प्रकट हो गया, हो सकता है यहाँ रहने वाला ही कोई इस बक्से को लेकर आया होगा। अब पुलिस ने यह कह दिया था कि इस फ्लैट के नीचे दो पुलिस वाले तैनात कर दिए जाएंगे, आपकी जान को खतरा हो सकता है, ये सीधे सीधे आपको दी गई धमकी है। अब दो पुलिस वाले उसी सिक्योरिटी गार्ड के पास रहने वाले थे। नीचे वाला फ्लैट उन पुलिस वालों को दे दिया गया था, वो हर बार यहाँ पर चेकिंग करते ही रहते, कई बार मेरे पास आते और कमरे के अंदर भी ट्रांसमीटर लगाकर चले जाते। ये काम बार बार कर रहे थे, ये मेरी सेफ्टी के लिए ही था। वक्त रात के 9 बजे का था। ये वक्त है मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं अखबार पढ़ने की कोशिश करता हूँ जो सुबह की आई हुई होती है। अभी मैं ट्रेडिंग का काम भी करता हूँ और जैसे ही मैं अपना चश्मा उठाने के लिए टेबल के पास गया था, मेरे हाथ में एक अखबार थी, एक हाथ में रिमोट था। और जैसे ही मैं टेबल के पास गया, अपना चश्मा उठाया, चश्मे के नीचे लाल रंग का कैप्सूल था, 222 नंबर कैप्सूल। मेरे हाथ से चश्मा गिर गया, वो रिमोट गिर गया और अखबार भी गिर गई और मैं बाहर की तरफ भागने लगा। जल्दबाजी में मैं फ़ोन अपने बेटे को ही लगा पाया था, नीचे पुलिस वाले को लगा ही नहीं पाया। जैसे ही वो फ़ोन मेरे बेटे ने उठाया, वो कहने लगा था, क्या हुआ पापा, मैं सो रहा था, इस समय आपने फ़ोन क्यों किया? मैंने कहा, अरे तुम्हें लग गया, मैंने ये पुलिस वाले को लगाया था। मेरा बेटा और ज़्यादा घबरा गया था, क्या हुआ पापा, आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हैं। मैंने कहा, मेरे कमरे के अंदर कोई कैप्सूल रख के चला गया। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और उसने मुझे फ़ोन काटने के लिए कहा और कहा मैं उस फ्लैट में अंदर ना जाऊं, बाहर पुलिस वालों की तरफ भागूं। मैं सीढ़ियां उतरने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लिफ्ट कल से बंद थी।
मैं भागता भागता नीचे गया था, हांफ चुका था मैं। जैसे ही मैं उस पुलिस वाले के पास पहुंचा, मुझे देखकर वो हैरान, क्या हुआ सर, आप घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? मैंने कहा, मेरे कमरे के अंदर लाल रंग का कैप्सूल। इसके बाद मुझे वहां मेरे कमरे के अंदर ले जाया गया। वहां पुलिस वाला भी था, दो सिक्योरिटी गार्ड नीचे अपनी ड्यूटी छोड़कर मेरे कमरे के अंदर आए हुए थे, क्योंकि उन्हें डर था कोई ना कोई यहां पर घुसा हुआ होगा। वहां मेरे टेबल के पास गए सब, उस लाल कैप्सूल को देखा और मैंने उस कैप्सूल को हाथ तक नहीं लगाया था। और उस पुलिस वाले को कहा, मैंने हाथ नहीं लगाया, पिछली बार मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इस बार मैंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन डर वाली बात तो यह है दरवाज़ा खोला नहीं मैंने। यहाँ इस मंजिल पर ऊपर से खिड़की के रास्ते से कोई नहीं आ सकता, मेरे घर के अंदर कोई कैप्सूल रख कर चला गया, कौन हो सकता है? वहाँ कैप्सूल को एक तरफ पैकेट में डाल लिया गया और जैसे ही नीचे वाला ड्रॉर खोला गया, वहाँ एक कागज़ पर लिखा हुआ था, मरने से पहले इस कैप्सूल को ज़रूर खा लेना। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरी टांगे कांपने लगी थी। वो पुलिस वाला उस कागज़ को मेरी तरफ करके कह रहा था, सर आपके लिए मैसेज है। मैंने आंखें बंद कर ली, अबे पागल है क्या, मैं पहले से दिल का मरीज हूँ, मुझे डरा मत, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई मेरे घर के अंदर आ गया वो मुझे मार भी सकता था। अब नीचे की CCTV फुटेज चेक की गई, समझ में ही नहीं आ रहा था कौन है जो यहाँ पर आ रहा है, मेरे फ्लैट के अंदर तक आ रहा है, कोई नौकरी हो सकता है, उन्हीं के पास चाबियां होती हैं, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके बाद मैंने सोचा इस फ्लैट को छोड़ने का समय आ गया है, सीधा पहुंचूंगा मैं फार्म हाउस, उस फार्म हाउस के बारे में यहाँ के नौकर बिल्कुल नहीं जानते और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दबाजी में जो सामान हाथ में आया उसे लेकर अपनी गाड़ी निकाली मैंने और सीधा फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ा। शहर से थोड़ा बाहर मैंने एक फार्म हाउस बना रखा था और वहाँ पर कभी कभी मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ घूमने के लिए जाया करता था। वहाँ जब भी छुट्टियाँ होती हम रहा करते, हम गार्डनिंग करते, पीछे पौधे लगाए हुए थे और मैं वहाँ पहुँचने से पहले ही माली नौकर हर किसी को छुट्टी के लिए कह चुका था, मैं वहाँ अकेला रहना चाहता हूँ। वो पुलिस वाले भी मेरे साथ आना चाहते थे और मैंने भी उन्हें कह दिया, आपको घर के बाहर रहना होगा, मैं वहाँ कैमरों से देखूँगा, कोई भी घर के अंदर आ ही नहीं सकता, पूरी सिक्योरिटी है और मेरे पास गन भी होगी, अगर मुझे डर लगा, किसी पर शक हुआ, मैं तो गोली चला दूंगा। उस फार्म हाउस के बाहर का गेट इलेक्ट्रॉनिक था, मैं रिमोट से घर के अंदर से उसे खोल सकता था और बंद कर सकता था। उस गेट को बंद करके मैं सीधा फार्म हाउस के अंदर की तरफ बढ़ चला, दरवाजा खोला और मैं उसके अंदर था। यहाँ एक पूल भी है, पीछे गार्डन भी है, खाने का सारा सामान है, पीने के लिए शराब है, हर चीज़ यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, अमीरों का यही तो फायदे का सौदा होता है, यहाँ पर मुझे कोई खतरा नहीं है। पूरा दिन मैंने वहाँ पूल में नहाते नहाते अखबार पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद मोबाइल चलाता रहा, न्यूज़ पढ़ता रहा और न्यूज़ में मेरी ये खबर नहीं आई हुई थी। पैसों का ये भी फायदा है, आप अपनी खबर दबा सकते हो। इतना बड़ा बिजनेस मैंने ऐसे ही थोड़े ना खड़ा किया है, बहुत अच्छे और बहुत बुरे काम भी करने पड़ते हैं। जैसे ही वक्त 8 बजे का हो गया था, यहाँ अंधेरा घिर चला था, इस फार्म हाउस के अंदर घुसना नामुमकिन बात है, कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। उसके बाद जैसे ही मैं बेड पर लेटकर आंखों पर चश्मा लगाकर टीवी ऑन करने के लिए रिमोट उठा रहा था, मेरे हाथ में कुछ नरम सी चीज़ आई, रिमोट के ऊपर कुछ रखा हुआ था। जैसे ही मैंने देखा वो क्या चीज़ है, लाल रंग का कैप्सूल, 222 नंबर। मेरे हाथ से वो कैप्सूल गिर गया था और मैं घबरा सा गया था, यहाँ पर कौन आ सकता है, वो जो भी है यहाँ तक मेरा पीछा कर रहा है। वहाँ उस रिमोट के नीचे एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा था जिस पर लिखा था, मरने से पहले इस कैप्सूल को ज़रूर खा लेना। मैं अब चीखता चीखता बाहर की तरफ जाना चाहता था, तभी मुझे याद आया बाहर का गेट तो खोलना होगा ना, मैं रिमोट ढूंढने लगा, वहाँ रिमोट मौजूद नहीं था, मैंने अपने ड्रॉर के पास रखा हुआ था। उसके बाद मैं फ़ोन लगाना चाहता था और फ़ोन में रेंज नहीं आ रही थी, ये कैसे हो सकता है, लैंडलाइन फ़ोन से फ़ोन लगाने की कोशिश की तो तार कटी हुई मिली। मैं अब डर गया था, जो भी है इस फार्म हाउस के अंदर है वो जानता है यहाँ सिक्योरिटी कितनी टाइट है, अंदर किसी तरह से वो घुस गया होगा और अपनी तरकीब से मुझे भी यहाँ पर बुला लिया, वो यहाँ मुझे मार सकता है, कौन है,
भागता हुआ मैं बेडरूम की तरफ गया था, सबसे पहले हाथ में गन पकड़ लूं। मुझे बंदूक के सहारे ही भरोसा होगा कि मैं जिंदा बच सकता हूं, मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मैं गन को हाथ में पकड़े हुए बाहर की तरफ भागने लगा। मैं गेट के पास जाना चाहता था, वहां भी एक बटन है, उस बटन को दबाते ही वो गेट खुल जाता है। लेकिन एक और परेशानी वहां घिर गई थी। बटन तो दबाया मैंने, गेट नहीं खुला। यह ना तो अंदर आने का कोई और रास्ता है, ना बाहर जाने का कोई और रास्ता है। दीवारें बहुत ऊंची हैं, ऊपर फेंसिंग लगी हुई है, ना दीवारों पर चढ़ा जा सकता है, ना बाहर से अंदर आया जा सकता है। मैं चीखे मार रहा था, पुलिस, क्या बाहर हो, क्या बाहर हो, जल्दी अंदर आओ, मैं फंस गया हूँ, किसी को लेकर आओ, ये गेट खोलो, यह वो कातिल अंदर आ चुका है जो मुझे मारना चाहता है। बाहर से कोई जवाब नहीं आया। हर किसी को मैंने भेज दिया था और पुलिस वालों को भी बाहर छोड़ा हुआ था, शायद वो तंग परेशान होकर इधर उधर निकल गए होंगे। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? बाहर अंधेरा था, तभी ध्यान पड़ा बाहर की जो लाइट है अचानक बंद हो चुकी है। अंधेरा ही अंधेरा हो चुका था। मेरे हाथ में जो मोबाइल था, भले ही उसमें रेंज ना आ रही हो, लेकिन उसकी टॉर्च तो जलाई जा सकती है ना। मैंने उसी की टॉर्च जलाई और देखने लगा। मैं गार्डन एरिया में था और इधर उधर देखते हुए मुझे डर लग रहा था, जो भी होगा आसपास ही होगा, कोई भी मेरे सामने आया मैं गोली चला दूंगा, मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला उसे। मैं ये तो समझ गया था मुझे फंसाने के लिए पूरी तरकीब लगाई जा चुकी है। यहाँ फार्म हाउस में कोई ना कोई तो होगा जो मुझे मारने की कोशिश करेगा। इसी तरह से मैंने कई अपने कॉम्पिटिटर्स को डराया है। वो जब भी फार्म हाउस में होते, मैं उन्हें धमकी दे देता कि कॉम्पिटिशन में खड़ा होने की कोशिश मत करना, वो प्रोडक्ट लॉन्च मत करना, जो ना माने उन्हें इसी तरह से डराया जाता था। फार्म हाउस में बिजली कट कर दी जाती, फोन बंद कर दिए जाते और मैं किसी न किसी को भेजता पिटाई करने के लिए। वो केस करते रह जाते और मैं पैसों के बल पर उन्हें दबा देता। आज शायद कोई मेरे साथ ये करने वाला है, लेकिन मुझे किसी ने धमकी ही नहीं दी। धमकी दी होती तो मैं समझ जाता और बदला भी ले पाता, बदला भी किससे लूं। लेकिन यहां कोई ना कोई कुछ तो करेगा, उससे पहले मुकाबला कर लूं। मैं गार्डन में छिपता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और ये देख रहा था कौन है जो इस घर के अंदर हो सकता है। तभी एक खिड़की पर एक परछाई दिखी मुझे। जो भी है वो उस कमरे में पहुंच चुका है। ये काले रंग की एक परछाई थी और सर पर पहनी टोपी दिखी मुझे। शायद उसने टोपी पहन रखी है और वो भी गोल वाली। कौन है जो मेरा दुश्मन है और वो इस तरह की टोपी पहनता है? मैं याद करने की कोशिश करने लगा, मुझे याद ही नहीं आया कौन हो सकता है। अब मैं बंदूक लेकर उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगा था। सबसे पहले तो मैंने मेन दरवाजा खोला और इस तरह से खोला ताकि थोड़ी भी आवाज ना हो, उसे पता ना चले वो मुझे बेडरूम में ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। उसके बाद बाहर वाला कांच जानबूझकर एक पत्थर से तोड़ दिया और एक सोफे के पीछे जाकर छिप गया। जो भी होगा देखने के लिए तो आएगा ही। मैं नीचे छुपकर देखने लगा कौन है। तभी मुझे जूते नजर आए। नीचे से सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही नजर आ रहा था। जो भी था उसने काले रंग के जूते पहन रखे थे। दो तीन कदम उसने आगे बढ़ाए और मैं छलांग लगाकर खड़ा हो गया और तानना चाहता था वो बंदूक उसके सर पर, लेकिन ऊपर कोई था ही नहीं। हैरान परेशान मैं, कहाँ गया? अभी तो यहाँ पर पैर रखा था, आवाज आई थी तीन चार कदमों की, नीचे से जूता देखा मैंने, सामने था, कहाँ गया? समझ में नहीं आया। मैं इधर उधर देखता रहा, फिर से मैं सोफे के पीछे छिप गया। नीचे से देखा जूते वहीं थे। कोई मुझे बेवकूफ बना रहा है, उसने जूते इस तरह से खिसकाए कि नीचे से जूते तो दिख रहे हैं, ऊपर कोई है ही नहीं। यानी वो समझ गया है मैं कहां पर हूं। जल्दी से भागता हुआ मैं सोफे के पीछे से निकला और बाहर गार्डन में एक पेड़ के पीछे छिप गया। यहां पूरी तरह से अंधेरा था और मैं घिसटते घिसटते जगह बदल रहा था। उसे पता नहीं लगना चाहिए मैं किस जगह हूं। पूरा दिमाग लगाऊंगा और उसे मौत के घाट उतार ही दूंगा। अब एक पेड़ के पीछे मैं छिपा हुआ था। वहां से बाहर सब कुछ नजर आता था। ये पेड़ एक कोने में था और इस दिशा से हर दिशा की तरफ साफ साफ देखा जा सकता था। चुपचाप छिपा हुआ मैं आवाज का इंतजार करने लगा। कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो भागकर बाहर की तरफ तो आएगा ही, वहीं उसको गोलियों से भून कर रख दूंगा। मैं इंतजार करता रहा और 10 मिनट बाद मेरे कान में एक आवाज आई, तुमने वो कैप्सूल खाया? ये सुनते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं पीछे की तरफ मुड़ा, अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने गोलियों की बौछार कर दी थी। मैं पीछे बिना देखे गोलियां चलाए जा रहा था।
एक गोली तो उसे लगेगी ना, बिल्कुल मेरे पीछे था। गोलियां चलाता रहा मैं, चलाता रहा, सारी गोलियां पीछे ही चला दी और पूरा राउंड खाली कर दिया था मैंने। भागकर बटन के पास गया मैं जिससे बाहर की फ्लडलाइट चलती। मैंने फ्लडलाइट चला दी और उसके बाद पेड़ के पास आया देखने के लिए। सारी गोलियां पेड़ में और दीवार में लगी हुई थी, यहाँ खून का एक कतरा तक नहीं था। जो भी था वो बच गया था, मेरे कान के पास बोलकर चला गया और फिर भी बच गया। क्या करूँ, मुझे कमरे के अंदर जाना होगा, चिटकनी लगानी होगी, इससे बचना होगा। मेरे पास अब एक भी गोली नहीं है। मैं भाग कर गया, अपने बेडरूम में छिप गया। मैंने चिटकनी लगा ली। मैंने सोफ़ा उस दरवाजे के पास रख दिया था ताकि दरवाज़ा खोला ना जा सके। अब नीचे छिपा हुआ था मैं और खिड़कियों से भी बचा हुआ था। कोई खिड़की से ही गोली मार सकता है, हर तरीका अपनाऊंगा। खिड़की के सामने अलमारी रख दी मैंने। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जिससे इस कमरे में आया जा सके। मैं इंतज़ार कर रहा था दिन ढलने का। कल सुबह होगी और उसके बाद किसी न किसी तरह बाहर निकलूंगा, फ़ोन की रेंज आ जाए। यहाँ इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा था। तभी लाइट फ्लक्चुएट करने लगी। शायद वो मेन स्विच के पास होगा और लाइट बंद कर रहा होगा। अचानक ढप से लाइट बंद, पूरी तरह से कमरे में अंधेरा और मैंने फ़ोन की टॉर्च जला ली। मेरा सारा ध्यान दरवाजे की तरफ था। वो दरवाजे को हिलाएगा, दरवाजे को खोलने की कोशिश करेगा। 10 मिनट बाद मेरी सोच सच्चाई में बदलने लगी। पहले तो हैंडल हिला, फिर दरवाज़ा, फिर सोफ़ा पीछे की तरफ हिलना शुरू हो गया। वो धक्का दे रहा था ताकि सोफ़ा हटे। मैंने भी जल्दबाजी में उस सोफे को घसीट कर आगे की तरफ कर दिया। दरवाज़ा नहीं खुलने दूंगा। जो भी सामान था मैंने वो सारा सामान सोफे पर रखना शुरू कर दिया ताकि सोफ़ा भारी हो पाए। एक छोटी सी अलमारी, एक ड्रॉर, हर चीज़ ऊपर रख दी। अब सोफ़ा भारी हो गया था, दरवाज़ा वो धकेल नहीं रहा था। इस कमरे में अंधेरा और अचानक फ़ोन की टॉर्च लाइट भी बंद, पूरा अंधेरा। कमरे में मुझे अपने दिल की धड़कन सुन रही थी। यहाँ बाहर से चलने की आवाज़, कोई था जो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा था। बाहर घास के हिलने की आवाज़, वो हर तरफ से घूम घूम कर ये चेक कर रहा था कि कमरे में कैसे आया जा सकता है। मैं चुप करके कमरे में बैठा हुआ था। वो जहाँ से भी अंदर आने की कोशिश करेगा मैं उसे रोकूंगा। लेकिन तभी मैं ये सोचने लगा, मेरी मोबाइल की टॉर्च की लाइट किसने बंद कर दी? कहाँ रखा था मैंने फ़ोन? हाँ, उस ड्रॉर पर रखकर मैं इधर आया था। मैंने ड्रॉर पर हाथ रखा, मेरे हाथ में कुछ लगा। फ़ोन के ऊपर एक कैप्सूल पड़ा था। फ़ोन की टॉर्च की लाइट जलाई मैंने। लाल रंग का कैप्सूल, 222 नंबर का। मैं चीखना शुरू हो गया। अब जो सामान मैं सोफे पर रख रहा था उसे हटाने में बहुत समय लग रहा था। वो मेरे कमरे के अंदर आ चुका है, उसने वो कैप्सूल तक रख दिया और मुझे पता तक नहीं चला। जल्दबाजी में वो सारा सामान नीचे गिराने लगा, सोफ़ा हटाया, दरवाज़ा खोला। मैं बाहर की तरफ भागना शुरू हो गया। मैं मेन दरवाज़ा खोलकर बाहर गार्डन में जाना चाहता था क्योंकि फ्लड लाइट में ही शायद बच पाऊँ, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। मैं वो दरवाज़ा नहीं खोल पाया। चिटकनी लगी हुई थी लेकिन वो जैसे चिपक चुकी थी। पूरी उंगली का जोर लगाया मैंने, वो चिटकनी नीचे नहीं आ रही थी। दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा था। मैं उसे खोल ही रहा था, कान में एक आवाज़ आई, अभी तक कैप्सूल खाया नहीं। मेरी चीख निकल गई। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे कोई नहीं था। मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। ये कोई जिंदा इंसान नहीं है, अभी तो कान के पीछे बोल के गया, गायब कैसे हो सकता है? मैं घबराने सा लगा था और तभी मुझे परछाइयाँ दिखना शुरू हो गई। वहाँ फ्लड लाइट की रोशनी में नीचे परछाइयाँ तो बन रही थी, लेकिन वो परछाई किसकी थी वो नज़र ही नहीं आ रहा था। पेड़ के पीछे से पत्तों के हिलने की आवाज़ जैसे मुझे डरा देती। मैं उधर मुड़ता तो पीछे से कान में कहते, कैप्सूल खाया कि नहीं? मैं भागना शुरू हो गया और गार्डन से दूर कहाँ जा सकता था, पीछे वाले हिस्से में चला गया जहाँ पर सब्जियाँ लगाई गई थी। मैं भागता गया, मैं वहीं पर पहुँचा और मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। कान में वो आवाज़, कैप्सूल खाया या नहीं, मरने का समय नज़दीक आ रहा है। मैं रोता हुआ, चीखता हुआ कभी किसी दीवार से टकराता तो कभी कहीं जाने की कोशिश करता। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था।
कभी मैं घर के अंदर चला जाता, आंखें खोलता तो घर के बाहर होता। मैं बाहर आ जाता तो अचानक किसी कमरे में पहुंच जाता। बहुत अजीब अजीब चीजें सी हो रही थी, कोई शक्ति थी जो मेरे करीब आ रही थी। तभी उस पूल के पास मैं समझ नहीं पाया क्या करूं, मैंने पानी में छलांग लगा दी। वो पूल गहरा था, आपको तैरते रहना पड़ता है वरना आपकी सांस रुक जाएगी अगर आप तैरे ना तो। वो 7 फीट था और मेरा कद 5.5 फुट का। वहाँ तैरता तैरता मैं कभी एक तरफ जाता कभी दूसरी तरफ जाता। वहाँ वो पानी पूल से बाहर आ चुका था। वो पानी चारों तरफ फैला हुआ था और उस पर बन रहे पैरों के निशान मुझे डरा देते। कौन है जो नज़र नहीं आ रहा और उसके पैरों के निशान बन रहे हैं? ये कैसी अदृश्य शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ चुकी है, जो मुझे मारना चाहती है? तभी मुझे सामने एक काली टोपी में इंसान दिखा। उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था लेकिन आधा बिल्कुल साफ। उसे देखता रह गया, मैं पहचानने की कोशिश करता रहा, कौन हो तुम? उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं, लेकिन मरने से पहले तुम्हें वो लाल रंग का कैप्सूल खाना होगा। मैंने कहा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, उसमें जहर है, मैं मर जाऊंगा। वो मेरे सामने खड़ा रहा और आंखों में आंखें डाले हुए, उसकी उंगलियों में जो नाखून थे बहुत बड़े बड़े थे। वो बार बार मुझे मारने की कोशिश करता, जैसे मुझे नोचने की कोशिश करता उसकी उंगलियां रुक जाती, वो खुद को रोक लेता। वो बहुत गुस्से में था लेकिन किसी तरह खुद को रोक कर वो पीछे चला गया और वहां से गायब हो गया। उस पूल में मैं तैरने की कोशिश कर रहा था लेकिन शरीर ठंडा हुआ जा रहा था। मैं कोशिश करता रहा, अब तैरा नहीं जा रहा था। पानी के अंदर मुझे वही आकृति दिखी, वो टोपी वाला इंसान। मैं चीखें मार रहा था और मेरे मुंह में पानी भरने लगा, तैर नहीं पा रहा था मैं। उसने मुझे धक्का दिया और मुझे एक कोने तक ले आया। मैंने बड़ी मुश्किल से वो पाइप पकड़ा और मैं उस पूल से बाहर फिर से अपने कमरे की तरफ भागने लगा। मैं चीखता हुआ उससे बचने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आसपास ही गायब हुआ। कुछ करना चाहता था, मुझे मारने से वो खुद को कब तक रोकेगा? वो कौन है, क्यों मारना चाहता है मुझे? क्या है इस लाल कैप्सूल में, मुझे जानना होगा। मैं पूरी रात भागता रहा, वो दोबारा मुझे नजर नहीं आया। उसने मुझे बचाया क्यों? वो तो मुझे मारने वाला है ना, उसने पूल में मुझे बचाया क्यों? इस सवाल का जवाब भी मुझे किसी ने नहीं दिया था। मैं डूब जाता, मैं डरा हुआ था, हिल नहीं पा रहा था, मेरे मुंह में पानी भरना शुरू हो गया था। उसने धक्का देकर मुझे एक कोने तक पहुंचाया। क्यों किया उसने? क्या वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है? मैं रोता गया, पूरी रात रोता गया और अगली सुबह चीखें मारता हुआ मैं दरवाजे की तरफ गया। मैं गेट के पास गया और बटन से वो गेट खुल गया। मोबाइल में रेंज आ रही थी, हर चीज़ सही। पुलिस वाले मेरे घबराए हुए चेहरे को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। क्या हुआ सर, अंदर कोई आया? मैंने कहा, हाँ वो था अंदर, लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे वो कौन है। वो पूछते रहे, मैं कहता रहा भूत। वो हंस पड़ते, सर सही बताइए, वो कैप्सूल अंदर कौन लेकर आता है? क्या आपको मारने की कोशिश की किसी ने? सच बताइए सर, इस तरह बातें घुमाइए मत। मैं क्या कहता, भूत है वो, मेरी आंखों के सामने गायब हुआ, उन्होंने यकीन ही नहीं किया। मैं रोने लगा था, मैं सोचने लगा था अब करूं तो क्या करूं, क्या मैं पागल हो गया हूं? मुझे इंस्पेक्टर ने भी कहा था, ये आपका भ्रम है सर, भूत प्रेत नहीं होते, आपको भ्रम हो रहा है, यकीनन ये कैप्सूल आप ही रखते होंगे। मैंने कई पेशेंट देखे हैं ऐसे जिन्हें भ्रम होता है, उन्हें याद नहीं रहता, उसके बाद वो खुद ही चीज़ करते हैं और खुद ही डरते रहते हैं। आपको भी दिमागी बीमारी हुई लगती है, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, यकीनन आपका इलाज करेंगे। अगर कोई होता आपको मारने के लिए आया होता तो मार ही देता ना, बचाता क्यों? सवाल जायज़ था, सच में मारना होता तो बचाया क्यों? मैंने उस पुलिस इंस्पेक्टर की बात मान ली। मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया और उससे पूछने लगा, मुझे कुछ समय से भूत प्रेत नजर आने लगे हैं, मुझे लगता है मुझे दिमाग में कोई खराबी आ चुकी है। मेरे उस फैमिली डॉक्टर ने भी मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन जैसे ही मैंने जेब से वो लाल रंग का कैप्सूल निकाला वो एकदम डर सा गया। क्या हुआ डॉक्टर, आप क्यों घबरा रहे हैं? मैं इस कैप्सूल के बारे में जानना चाहता हूँ, ये किसने दिया होगा मुझे? अगर ये मेरी जेब में रहता है, इसे मैं ही वहां पर रख देता हूँ तो ये मेरे किसी ना किसी काम का तो होता होगा। मैं जानना चाहता हूँ ये कैप्सूल किस काम के लिए आता है, ये मुझसे किस तरह से जुड़ा हुआ है।
वो डॉक्टर, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो पहले मेरा बहुत करीबी दोस्त हुआ करता था, क्योंकि उसका मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं था। वो डॉक्टर था, मैं एक बिजनेसमैन, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती हमेशा बनाए रखी थी। लेकिन उसको इस तरह से थर थर कांपता हुआ देख मैं भी सोचने को मजबूर हो गया था। डॉक्टर, सच बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, आपको कुछ तो पता है, घबरा क्यों रहे हो? वो डॉक्टर कहने लगा था, नहीं नहीं, ये कैप्सूल कोई और रखता होगा, तुम्हारे काम का नहीं है, इसे फेंक दो, इसका इस्तेमाल मत करना। मैंने कहा, अगर मैं इसे खा लूँ तो मैं मरूँगा तो नहीं? लेकिन वो कहता जा रहा था, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसे खाना मत, इससे बहुत नुकसान हो सकता है, इसमें जहर हो सकता है। मैंने कहा, लेकिन मैं जान चुका हूँ, किसी और डॉक्टर ने बताया था ये न्यूरॉन्स पर काम करता है, ये आपकी खोई हुई याददाश्त जो कुछ समय से बंद हो उसे वापस ला सकता है। तभी वो डॉक्टर भी घबरा रहा था, तुम्हें ये कौन दे रहा है? सच बताओ, तुम ये नहीं खा सकते, मेरी बात मानो। मैं उससे कहता रहा, तुम मेरे दोस्त हो, सच बताओ, क्या ये मुझे खाना चाहिए? मुझे बताओ, ये कौन दे सकता है? वो अपने सर पर हाथ मारता रहा और कहने लगा था, तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, मेरी बीवी, तुम्हें पता है ना, एक साइकेट्रिस्ट है, तुम्हें उसके पास जाना होगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, और तुम्हें कुछ जवाब देने हैं वहीं पर देंगे। देखो, मुझ पर भरोसा करो और खुद को थोड़ा शांत करो। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ये करना चाहते हो या नहीं? मैंने कहा, हाँ, मुझे सच्चाई जाननी है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं सच जानना चाहता हूँ। वो अपने फार्म हाउस में लेकर गया था, मैं वहाँ पर वो था, उसकी पत्नी थी और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। वो सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया था, उसे कुछ बताया था और उसकी पत्नी भी घबराने लगी थी। वो दोनों मेरे सामने आकर बैठ गए। उन दोनों की आंखों में कोई राज था जो छिपा हुआ था, मैं वो राज जानना चाहता था। मैंने कहा, अब सच बताइए, ये कैप्सूल मेरे पास कैसे आ रहा? जो उस डॉक्टर की पत्नी ने बताना शुरू किया, मेरे होश उड़ते जा रहे थे। देखो, 5 साल पहले तुम हमारे पास आए थे, 5 साल पहले, ये वही तारीख है आज की। तुम इसी दिन हमारे पास आए थे और कह रहे थे कि तुम्हें वो सर्जरी की ज़रूरत है, तुम्हें वो हिप्नोटिज्म की ज़रूरत है। हमने एक साथ वो चीज़ की थी और तुम्हारी यादों से कुछ गायब किया था। तुम्हें बताया गया था ये कैप्सूल होगा जिससे तुम्हें दूरी बनाकर रखनी है, ये कैप्सूल खाने के बाद वो याददाश्त तुम्हें वापस मिल जाएगी। मैंने कहा, याददाश्त? क्या सच में मैं आपके पास आया था और आपने मेरे दिमाग से कोई याद गायब की है? वहां उस डॉक्टर ने और उसकी पत्नी ने हाँ में सर हिला दिया था और कहा था कि ये प्रोसीजर उन्होंने ही किया था। मेरे हाथ में वो लाल रंग का कैप्सूल था, 222 नंबर का। तुम इसे खाओगे और 2 घंटे में तुम्हारी याद आ जाएगी, समय पूरा है। 5 साल पहले इस कैप्सूल से दूरी बनाने के लिए हमने तुम्हें कहा था और वो सर्जरी, वो हिप्नोटिज्म का प्रोसीजर पूरा किया था। कुछ था जो तुम खुद से ही छिपाना चाहते थे और शायद ये वक्त है खुद को वो बताने का, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुम पागल हो जाओगे तो ये कैप्सूल तुम्हें खाना होगा। वहाँ जो जो उस डॉक्टर ने बताया, मेरे होश उड़ गए थे। 5 साल पहले तुमने किसी को मारा था, उसकी लाश को दफनाया था, वो केस भी तुमने रफा दफा करवाया था, लेकिन तुम्हें हमेशा लगा करता था ये कत्ल करने की बात तुम्हारे दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। तुम साफ दिल के हो, लोगों को बहुत तंग जरूर करते हो, लेकिन कभी मारा नहीं था। उस दिन गुस्से में तुमने उसे मार दिया था, तुम्हारा कॉम्पिटिटर जगजीत, पता है ना? मैं घबराया, जगजीत, वो जो गायब हो चुका है, कहते हैं कि उसकी लाश भी कभी नहीं मिली, मैंने मारा था उसे? उस डॉक्टर ने भी हाँ में सर हिला दिया था। हाँ, मैं वहां कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। नहीं नहीं, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम मुझे फंसाना चाहते हो। देखो, ये झूठा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ, मुझे भूत नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था और तुम मुझे और ज्यादा डरा रहे हो। वो दोनों उठ खड़े हुए थे और कह रहे थे, तुम्हें कैप्सूल खाना होगा। देखो, ये बात हम अपने अंदर छिपाकर नहीं रख सकते, मैं तुम्हारा दोस्त था इसलिए तुम्हारी मदद की थी, लेकिन ये बोझ मेरे अंदर भी मुझे खाता रहता है कि जैसे मैंने ही वो कत्ल किया हो। मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने बस तुम्हारी वो याद गायब की थी। ये कैप्सूल तुम्हारे लिए है, इसे खाओ और सच का सामना करो, दोबारा मेरे पास मत आना, जैसे तुम मुझे मुलजिम ठहरा रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। ये कहते ही मैं वहाँ से बाहर आ गया था, मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं था।
जलता है साला मुझसे। यकीनन मुझे किसी केस में फंसाना चाहता है, भूत के चक्कर में मुझे उस केस में फंसाना चाहता है जिसमें उसने उसे मारा होगा, इसने जगजीत को मारा होगा। मुझे ये कैप्सूल खाना ही होगा, लेकिन उस डॉक्टर का दिया नहीं, मैं केमिस्ट के पास जाकर ये कैप्सूल लूंगा। मैं उसी शाम अपने एक दोस्त के पास गया था जो कि एक केमिस्ट था। बहुत समय पहले मैंने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी क्योंकि वो आगे तरक्की कर ही नहीं पाया, फिर भी मेरा दोस्त है ना, काम तो करेगा। मैं उसके पास पहुंचा था और कहने लगा था, ये कैप्सूल 222 किसका होता है, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। वो काफ़ी गुस्से में था, लेकिन मैंने प्यारी प्यारी बातें की और उसे फंसा लिया। वो बताने लगा, यार ये न्यूरॉन्स के लिए होता है, अगर किसी की याददाश्त चली जाए तो कहते हैं जो हिप्नोटिज्म या ऐसा कुछ होता है ये रिलीज कर देता है, वो कुछ यादें जो आप भूल चुके हैं वो याद आने लगती हैं। मैंने कहा, कोई नुकसान तो नहीं होगा अगर मैं इसे खा लूँ? उसने कहा, नहीं नहीं कोई नुकसान तो नहीं होता, बस थोड़े से चक्कर वक्कर से आएंगे। अगर तुम्हारे साथ वैसा कोई प्रोसीजर नहीं हुआ तो ये किसी काम का नहीं है, खा लो, उल्टियाँ थोड़ी आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा। और कुछ मैंने वो पूरा एक पत्ता ले लिया था, उसे लेकर दोबारा मैं उसी फार्म हाउस में पहुँचा। मैं किसी को उस फार्म हाउस के अंदर नहीं जाने देना चाहता था। वहाँ सोफे पर बैठा हुआ मैं, शाम के 7 बजे का समय, अंधेरा होने ही वाला था, मैंने वो कैप्सूल खा लिया, लाल रंग का कैप्सूल 222 नंबर। धीरे धीरे जैसे वो शरीर पर असर करता गया, मुझे मदहोशी सी होने लगी। याद करने की कोशिश कर रहा था 5 साल पहले आज ही के दिन क्या हुआ था। धीरे धीरे कुछ याद सा आने लगा, वो चेहरा सा दिखने लगा आंखों के सामने, जगजीत। उसने भी वही प्रोडक्ट निकाला था जो मेरा पहले से चल रहा था। मैं पहले से मिलावट करके थोड़ा ज़्यादा कमीशन लिया करता था, और जितने भी स्टोर थे मेरे अपने थे, मैंने लोगों को फंसाया हुआ था। उसने बड़े सस्ते में निकाला और बिल्कुल सही, बिना मिलावट का। मैं उसे डराकर भगाना चाहता था, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। अपने ही फार्म हाउस में मैंने उसे बुलाया था और कहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वो मेरे फार्म हाउस में आया था, उसने अपने कुछ करीबियों को बता दिया था। यहाँ पर वो मान ही नहीं रहा था, मुझे गुस्सा चढ़ाया जा रहा था। मैंने भी एक तेज धार चाकू उसकी गर्दन के आर पार कर दिया। मैं इसी तरह फार्म हाउस में लोगों को तंग जरूर किया करता था, धमकाया करता था, मारा करता था, टांगे तोड़ दिया करता था। पहली बार इतना गुस्सा दिला दिया, गर्दन के आर पार मैंने चाकू कर दिया। वो यहीं पर तड़प तड़प कर मरा था, और मैं क्या करता, उसकी लाश इसी फार्म हाउस में पीछे वाले पौधों के नीचे दफना दी थी मैंने। धीरे धीरे सड़ ही जाती है लाशें, लेकिन जितने लोगों को उसने बुलाया था, जितने लोगों को उसने बताया था, पैसों से उनका मुंह बंद करने में बहुत मुश्किल हुई थी मुझे। एक ही घंटे में कुछ लोगों को जैसे चुप करवा दिया था मैंने, अपने मैनेजर को भी कह दिया था बात खत्म करनी है, वो कहाँ है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पैसे ही पैसे मैंने बौछार कर दी थी, और उसके बाद अपने ही दिमाग से वो प्रोसीजर से याद बाहर निकाल दी। एक ही दिन में सारे काम कर दिए थे, और मैं भूल गया था ये जगजीत है जो मुझे नजर आ रहा है, मेरे दिमाग का भ्रम। यादें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, आंखों के सामने घूमती हैं। वो लाल रंग का कैप्सूल जरूर मैं ही रखता हूँ, शायद बेवकूफ हूँ मैं, भूल जाता हूँ। वहां सोफे पर बैठा मैं हंस रहा था, अरे भूत भूत नहीं होते, वैसे ही डर रहा था मैं। तभी मुझे एक कॉल आई, मैंने जैसे ही हाथ में मोबाइल पकड़ा, मेरे हाथ में लाल रंग का कैप्सूल, और वो कैप्सूल खुला हुआ था। ये वो नहीं था जो मैंने खाया था, ये कोई और था। हाथ मेरा गंदा हो गया, किसी ने मेरे हाथ में कैप्सूल रख दिया। मैं इधर उधर देखने लगा। मैंने सबसे पहले तो कॉल उठाई और ये जवाब दिया, हेलो कौन है? ये कोई पर्सनल नंबर था, डिस्प्ले पे आ ही नहीं रहा था। तभी उसने कहा, अब तुमने कैप्सूल खा लिया है, सच्चाई तुम जान चुके हो। 5 साल बाद मैं वापस आया हूँ, और ये वही दिन है, सजा का वक्त है, जो बुरा किया है उसकी सजा भुगतने का समय है। इसके बाद फोन कट गया। मैं घबराने लगा था, ये झूठ नहीं हो सकता, ये क्या है? मुझे फिर से वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, और ये फ़ोन आया था ना। मैंने कॉल लिस्ट चेक की, वहाँ पर कोई नंबर नहीं था। कोई प्राइवेट कॉल आई, वो भी नहीं दिख रही थी। मैं पागल हो रहा हूँ, क्या हो रहा है? क्या अभी याददाश्त वापस आ रही है? मुझे वहाँ दिख रहा था कुछ ना कुछ, कभी कोई परछाई,
कभी जगजीत का चेहरा, वो मुझे दिखे जा रहा था। मैं भागना शुरू हो गया, लेकिन उस फार्म हाउस की लाइट चली गई थी। अब फोन लग नहीं पा रहा था, लैंडलाइन में भी जैसे कुछ नहीं आवाज़ आ रही थी। वहाँ भागता रहा मैं। अब मेरे पास गोलियाँ तक नहीं थी। मैं जानता था ये कौन है जो मेरा पीछा कर रहा है। जिसे मैंने मारा है वो बदला लेने के लिए आया है क्या? मैं बाहर जाकर गेट खोलना चाहता था, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। मैं चीखने की कोशिश करने लगा, आज गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। गला ही बैठ गया मेरा अचानक, आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। जैसे ही मैं हल्की आवाज़ में बोलता आवाज़ निकलती। मैं ऊंची आवाज़ में चीखने की कोशिश करता, गला बैठ जाता। मैं चीख नहीं सकता था। अंदर से पत्थर बाहर की तरफ फेंकना शुरू हो गया और बाहर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मैं क्या करता? वहाँ जगजीत की आत्मा मुझे नजर आती रही और उसके हाथ में एक चाकू था। वो चाकू लिए मेरा पीछा करता जा रहा था। मैं उससे बचने के लिए भागता रहा, हांफता रहा, कभी इधर जाता कभी उधर जाता। क्या करता मैं? अंत में मैं पूल में ही छलांग लगाकर ये इंतज़ार करने लगा कि यहाँ तो नहीं आ पाएगा। तभी उसकी आवाज़ आई, जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। तुमने बहुत जिंदगियां बर्बाद की हैं, तुमने बहुत लोगों को मरने पर मजबूर किया है। तुम्हारा वक्त तो आता ही, और मुझे तो अपने हाथों से मारा था तुमने। मैं आ गया हूँ उसी समय का बदला लेने। मैं पूल में था और कह रहा था, तुम तो मुझे पहले भी मार सकते थे, बचाया क्यों? उसने कहा, जब तक याद वापस नहीं आती कैसे मारता? किसी मासूम को नहीं मार सकता, तुम तो गुनहगार हो। कातिल को ही मारना है, और कातिल की याद आ चुकी है। उसी पूल में नीचे खींच रहा था मैं, और सांस लेने में परेशानी। मेरा दम घुटे जा रहा था और मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। वहीं पूल में उसने मुझे नीचे की तरफ धकेला। वो आत्मा मेरी छाती पर बैठी थी, उसके हाथ में वो चाकू उसने मेरे सर पर रखा हुआ था। एक हाथ से वो चाकू पकड़े सर पर रखा था, घुटनों से मेरी दोनों बाजू जैसे ज़मीन पर रखी हुई थी। मैं उसे ऊपर तक नहीं कर पा रहा था, और एक हाथ उसने ऊपर उठाया और वो चाकू पर मारने वाला था। आंखें बंद करके मैं उससे माफ़ी मांग रहा था, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन पानी में तो कुछ हो ही नहीं रहा था, मुंह पानी से भर जाता, आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। लेकिन मैं कहे जा रहा था, छोड़ दो मुझे। वो आवाज़ नहीं निकली, और उसका हाथ, जैसे ही मैंने आंखें खोली, ज़ोर से उसने वो हाथ उस चाकू पर मारा, और चाकू शायद सर के अंदर। एक ही आवाज़ सुनी थी मुझे,